रामनवमी पर अयोध्या में विराजमान रामलला का पहला सूर्य तिलक हुआ। 3 मिनट तक रामलला के मस्तक पर सूर्य किरणें पड़ी। इसके लिए बेंगलुरु की कंपनी ने आशीर्वादों के 20 पाइप से यहां सिस्टम तैयार किया। कंपनी ने 1,20,00,000 का ये सिस्टम मंदिर को डोनेट किया। 65 फीट लंबाई के सिस्टम में आशीर्वादों के 20 पाइप लगाए गए। हर पाइप की लंबाई करीब 1 मीटर है। इन पाइप को फर्स्ट फ्लोर की सीलिंग से जोड़ते हुए मंदिर के अंदर लाया गया। गर्म किरणें रामलला के मस्तक पर न पड़े इसलिए फिल्टर का इस्तेमाल किया गया। सूर्य तिलक में लगने वाले पाइप से लेकर मिरर तक सभी चीजें बेंगलुरु की कंपनी ऑप्टिक्स एंड एलाइड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार की। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की ने इसे डिजाइन किया। वहीं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु ने पाइप मिरर और फिल्टर को फिट किया। इसकी लागत 1,20,00,000 रुपए आई। हर साल रामनवमी पर सूर्य किरणें रामलला का अभिषेक करेंगी। साल 2043 तक इसकी टाइमिंग भी बढ़ेगी। 2043 में 2024 की टाइमिंग को रिपीट किया जाएगा। सीबीआरआई के साइंटिस्ट ने नाम न छापने की शर्त पर दैनिक भास्कर को बताया कि आईआईए बेंगलुरु की टीम के साथ मिलकर हमने इसे डिजाइन किया। इसमें 4 मिरर और 4 लेंस का प्रयोग किया गया है। रामलला की मूर्ति का मुंह पूर्व दिशा में स्थित उसे ऐसे लगाया गया है कि उसके ठीक उल्टी दिशा से किरणें मूर्ति की ओर रिफ्लेक्ट हो सके। मंदिर के फर्स्ट फ्लोर की सीलिंग के ऊपर मिरर सेट किया गया, जिस पर सूर्य की किरणें पड़ी। वहां उसे जोड़ते हुए पाइप लगाए गए। पाइप को अंदर मंदिर की दीवार के पीछे इस तरह से सेट किया गया कि वो किसी को दिखाई ना दे। फिर एपर्चर के सहारे अन्य पाइप को जोड़ते हुए अंदर लाए गए। हर मोड़ पर एक लेंस और दर्पण लगाए गए ताकि सूर्य की किरणें रिफ्लेक्ट होते हुए आगे बढ़े। भगवान की प्रतिमा के सामने भी पाइप को इस तरह फिट किया गया कि वो किसी को ना दिखे। पाइप के अंतिम छोर पर भी एक दर्पण और लेंस का इस्तेमाल किया गया। इनके जरिए ही सूर्य की किरणें सीधे रामलला के मस्तक पर पड़ी। इस पूरे डिजाइन में साइंटिफिक रीजन के साथ साथ धार्मिक मान्यताओं का भी ख्याल रखा गया। दरअसल मंदिर में मौजूद पुजारियों ने हमें बताया था कि लोहे के पाइप से सूर्य की किरणों का आना धार्मिक कारणों से ठीक नहीं था, इसलिए हमारी टीम ने कांच के अलावा जहां भी अष्टधातु का इस्तेमाल करना था वहां सिर्फ अष्टधातु का इस्तेमाल किया गया। इसमें अष्टधातु की 1 मीटर लंबाई वाली 20 पाइप का इस्तेमाल हुआ। पाइप को फर्स्ट फ्लोर की सीलिंग से जोड़ते हुए अंदर लाया गया। हर पाइप की लंबाई 1 मीटर है, मोटाई 3 mm और डायमीटर एरिया 200 mm का है।